उत्पादन कर रही एक बड़ी कंपनी ने कंपनी में काम कर रहे 40 कामगारों को बिना नोटिस दिए कंपनी से निकाल दिया। इस मामले में अब राष्ट्रीय मजदूर सेना आंदोलन कर कामगारों को न्याय दिलाने की मांग कर रही है। दोस्तों, आप सब तो जानते ही होंगे कि दूध को पीने से शरीर को प्रोटीन, मिनरल्स एवं विटामिन्स प्राप्त होते हैं। दूध पीने से हमें शक्ति, ऊर्जा प्राप्त होती है। दूध को पीने से शरीर की कई बीमारियां खत्म होती है। दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। रोज हमें प्रोटीन्स, मिनरल्स एवं विटामिन्स मिल सके, इसलिए मदर डेयरी के कर्मचारी लोग मन लगा के काम करके हमारे पास दूध पहुँचाते हैं। और अब उनसे कहा जा रहा है कि कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे और ना ही उन्हें उनकी मेहनत की कमाई मिली है। ऐसे ईमानदार कर्मचारियों को न्याय तो मिलना ही चाहिए। इसलिए 2 अगस्त 2022 मंगलवार को सुबह 9 बजे संविधान चौक पर कर्मचारियों को न्याय मिल सके, इसलिए आक्रोश आंदोलन किया जाएगा। साथ ही इस आंदोलन का निवेदन पत्र माननीय जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान आंदोलन में बालू मामा कोसमकर, कैलाश बोमले, ईश्वर भोयर, प्रदीप कोलते आदि सब उपस्थित थे। अचानक ही उनको बंद कर दिया गया है, और जब बंद किया है वो 39 साल है, 1983 से लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। 1983 से काम करता 39 साल हो गए। 39 सालों के अंदर में उनको ना परमानेंट किया गया, 1999 में उनको परमानेंट करने का आदेश था लेबर कमीशन का, तब भी उनको यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही के उसको परमानेंट नहीं किया गया। उसके बावजूद भी 2014 के अंदर में जो मदर डेयरी को शासकीय दूध योजना का जो दिया गया है वहाँ पर इनको समावेश कर लेना चाहिए था, वहाँ पर भी उनका समावेश नहीं किया गया। और उनको उन्होंने भारत सरकार ने उनको अपने पास में रखकर वहाँ पर काम, और जहाँ उनको काम दे रहे थे वहाँ काम कर रहे थे। और उनका उन्होंने ठहराव भी किया हुआ था कि मत्स्य विभाग और पशु संवर्धन और कृषि विभाग के अंदर में इन तमाम लोगों को समा लिया जाएगा, लेकिन उनका उसके लिए अमल बदवानी उन लोगों ने नहीं की। और अचानक उनका 3 महीने का पेमेंट अभी भी उनका बाकी है। उनका 90 लाख के करीब करीब उनका डीए उनके वेतन में है, किमान वेतन उनको दिया नहीं जाता है, उनको ये सही नहीं दी गई। आज भी हमारे कामगार जबल बोल के है, उनका पैरालिसिस काटे का आया हुआ है, उनको किसी भी कामगार को किसी भी प्रकार की कोई उनको आरोग्य सेवा की मदद उनको नहीं दी गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़, नागपुर।